Krishna! Krishna! Krishna, my bachi! Kahan chali gayi thi? Le? Ye le? Pani? समझ गई मैं, भगवान ने बचा लिया उस दिन तुझे। अब दोबारा अकेले तालाब के पास कभी मत जाना। माँ पिला रही है पानी, पी ले। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ बच्चे? आज माँ के पास आ जा। कल तृष्णा 12 साल की हो जाएगी, ऐसा कब तक? कृष्णा काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकती है यदि आप लोगों के प्यार के साथ साथ इसे किसी प्रशिक्षित प्रोफेशनल की मदद भी मिल सके। प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स? जी हाँ, ऐसे लोगों की मदद से कृष्णा जैसे बच्चों के मानसिक विकास में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है। एक बार आप चले तो जाइए उस वाले स्कूल में, हो सकता है हमारी बेटी की जिंदगी में वहीं से कुछ रोशनी आ जाए। ठीक है, चला जाता हूँ सरला, लेकिन 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 कुछ नहीं, बस अब आप चले जाइए। सर, शारीरिक रूप से तो बेशक वो बड़ी हो गई है, लेकिन लेकिन बुद्धि का विकास शरीर के मुताबिक नहीं हो पाया। जी, तो आप ऐसा कीजिए, अपनी बेटी को यहाँ ले आइए और उसका दाखिला यहीं करवा दीजिए। मैं भी यही चाहता हूँ सर। यहाँ वो अपनी तरह के बच्चों के साथ रहेगी तो उसका विकास जल्दी होगा। फिर हमारे सीखने सिखाने के तरीके अलग हैं, सामान्य से कुछ अलग। सर, फीस? ये फॉर्म पड़ा है, इसमें पढ़कर देख लीजिए। जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, फीस जरा। भाई, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमारे यहाँ के खर्चे कुछ। ठीक है सर, मैं समझ गया। ये मेरे गहने बेच दीजिए, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद अपने आप को बेच देंगे, और फिर क्या क्या बेचेंगे सरला? सिंधी ऐसे नहीं चला करती, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। तुम क्या सोचती हो, क्या मैं अपनी कृष्णा से प्यार नहीं करता? अरे भाई साहब, ये गिर गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ही किसे घर छोड़ दूं। धन्यवाद। चीची बात बेटी, चीची बात। बेटा, ये फूल पेड़ पौधे सब हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे लिए। बेटा, आप इनके साथ बातें कर सकते हो, खेल सकते हो। देखो जी, तृष्णा पढ़ना सीख गई है। पढ़ना सीख गई है, तस्वीरें देखना, तस्वीरें देखकर बोल रही है वो। कभी तो बच्चे के मन को बढ़ावा दिया कीजिए जी। तो भाभी जी, क्या पढ़ाया जा रहा है इसको? यही ट से टॉफी, च से चाचा। अब बोलो बेटा, चा से चाचा। हाँ बेटे, चाचा चाचा चा चापा। इस बेचारे को तो चाचा और पापा में फर्क ही नहीं मालूम। बेचारी नहीं है हमारी बेटी। अरे अरे भाभी जी, आप तो नाराज हो गई हैं। लाला, एक 10 रुपए की टॉफी और दे दो। नहीं है ना? कोई बात नहीं, आज मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। चल, टॉपी खेल खेल खेल।
घोड़ा टिक टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक टिक, घोड़ा टिक टिक टिक, घोड़ा टिक टिक टिक, खेलेंगे। हाँ, काफी होंगे। ले ले ले, हाँ चल, हाँ बहुत सही। हाँ बेटा, हाँ खेले, खेलेंगे। बैठ बैठ जा। चप्पल उतारो उतारो, ऊपर बैठ के खेलेंगे। हाँ खेलेंगे, हाँ खेलेंगे, पैर ऊपर कर लो, तब कर ले 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 Sen de
कर मुझसे। अरे हवलदार जनाब, वो फाइल देना नीचे वाली। अरे हवलदार जनाब, ये औरत है ना? जनाब क्या कोई औरत पुलिस थाने में आ नहीं सकती? यहाँ को ना कोई खाता थोड़ी है। औरत को कब और कौन कहाँ खाया जाए ये तो मैं नहीं जानती दरोगा साहब, पर हाँ वो हरामजादा मेरा आदमी है। अपनी बेटी जैसी दिमागी रूप से कमजोर लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी उस हरामजादे ने। अच्छा, आपका अपना पति और आप उसकी रिपोर्ट लिखाने आई हैं? ऐसे दरिंदे किसी के पति पिता नहीं होते दरोगा साहब। आप जल्दी से रिपोर्ट लिखिए और चलिए मेरे साथ। पर ये हादसा हुआ कहाँ? मेरे मनहूस घर में। फिर तुम कहाँ थी? खेत में घास काटने गई थी। तब किसने देखा कि बलात्कार हुआ है? मैंने देखा दरोगा साहब इसे तड़पते हुए, अभी तक चादर में खून के दाग लगे हुए हैं। लिख भाई लिख, रिपोर्ट लिख। जनाब हाँ बोलो भी, लड़की की उम्र कितनी है? 16-17 साल। और तुम्हारे पति की? मुझे देख लो, अपने आप अंदाजा लग जाएगी कितनी उम्र है उस कमीने की। इसकी माँ ने तो अब तक उसका खून भी कर दिया होगा। जनाब इस लड़की का मेडिकल चेकअप करो। जनाब और मैं इनके साथ चलता हूँ, चलिए। हवलदार साहब जी, इस लड़की की मौसी है, ये देखभाल करेंगे, चलिए। बेटी बेटी कहता था कमीना। आजकल ना बाप का भरोसा रहा है ना भाई का भरोसा रहा, मारे इसको साथ को, मारे ना, ले चलते थाने इसको भी। पहले इसके ऊपर थूकने तो दो, थूकता ला ऐसे इसके ऊपर, ऐसा गंदा काम करता है कोई नहीं, इसको थाने जाके पता लगेगा क्या होते गंदे काम। फांसी लगा दो इसको। सतपाल की जान तो ले सकती थी पर फिर तृष्णा को कौन देखता? मेरी बच्ची, मेरी तृष्णा। चौथे में तो खेलियो मत, घर है मेरा, मैं खेलूंगी, आउट मानूंगी मैं। अरे तू तो तृष्णा की तरह गिरने लगी, बड़े दिनों से तृष्णा आई नहीं ना। हाँ इतने बड़े हादसे के बाद। कृष्णा, कृष्णा,
चुप गई थी। पिंकी, पिंकी, माँ, कोई नहीं, बेटी, माँ, घर, घर, कृष्णा का घर, कोई नहीं है, उठ, आजा, माँ के पास, माँ, माँ के पास, माँ यार कोई नहीं आएगा बेटी, बैठ बेटी, माँ, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत बेटी, बेटी, डर मत, माँ है ना, माँ सब कुछ ठीक कर देगी, तुझे कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं, डर मत, कृष्णा, साथ खिला लो। बेटी, ये बहुत दिनों से अकेले नहीं आई चाची। पता है मुझे। कृष्णा, आजा हम बॉल खेलेंगे। आ आ आ, देखो मेरे पास बॉल है, देखो। जब से वो हादसा हुआ है, बहुत सहमी सहमी सी रहने लगी है। किसी से बात तक नहीं करती, चुप चुप सी रहती है। शायद तुम लोग के साथ खेल ले, हंस ले। चाची हम खिलाएंगे, खिलाएंगे हम खिलाएंगे, ठीक है? कृष्णा, अरे कृष्णा, हम खेलेंगे, बॉल खेलेंगे। देखो ऊपर उठ रही है, एक बार हाथ लगा, एक बार हाथ लगा, देखो, अरे देख देख, देखो कैसे चल रही है। एक बार, एक बार हाथ लगा, एक बार, देख बॉल लीजिए, बॉल मजा आएगा, देख देख बॉल मजा आएगा ना। रुक ना, लूडो लेके आते हैं चाची, लूडो। क्या हुआ बेटी, नहीं माँ है ना, हम खेलेंगे ना, बहुत मजा आएगा। लूडो खेलेंगे आज। देखो लूडो आ गया, आओ लूडो खेलते, बहुत मजा आएगा। अरे कृष्णा को तो हम लाल वाली गोटी देंगे। कृष्णा आ जा, बैठ जा, बैठो बैठो, बिठा दे आराम से, बैठो आराम, आराम से बैठो। मेरी हरी वाली माँ है मेरे पास। देख देख, खेल रही पूजा, खेल रही ना, पूजा के बाद फिर तेरी बारी आएगी। लाल वाले हां, देख देख देख, देखो ऐसे कैसे खेलते हैं, ऐसे 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 हिलाया फिर दूसरी भी हिट जाएगी ना, एक बार, एक बार, एक बार हिला हिला, खेलो चुप।
होगा। चल बेटी मत रो, घर चलते हैं ना। घर, घर, अपने घर। खास से घर, हमारी प्यारी तृष्णा का घर। यहाँ पे तृष्णा को कोई तंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। खासे खाए। अरे भाई इस बार तो बहुत ही अच्छा बिजनेस हुआ। देखो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आया। अरे 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 अरे, एक ही हफ्ते में इतनी परेशान हो गई अपने पापा के लिए। पापा आ गए ना। क्या हुआ सर? क्या क्या सतवाल नहीं हमारी तृष्णा के साथ? हाँ हाँ बोल। लेके गई है उसे। उस हरामी को फांसी होनी चाहिए। देखो जी, अब हमें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करनी चाहिए। और फिर हमारे जाने के बाद हमारी बेटी का क्या होगा? तुम ठीक कहते थे, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अच्छा है मुझे अपने बच्चे के लिए खुद को क्यों ना बेचना पड़े। लेकिन अब हमारी कृष्णा उसी स्पेशल स्कूल में पढ़ेगी, वहां महफूज भी रहेगी और हमें उसकी चिंता भी नहीं। चिंता क्यों होगी? वहां पे हमारी तृष्णा आत्मनिर्भर हो जाएगी। क्योंकि शिक्षा के बिना गुजारा नहीं। हाँ जी। चलो भी बहुत देर हो चुकी है सरला, अब और नहीं। आओ मेरे बच्चे। चल बेटी, चल मेरी बच्ची। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं अपनी लड़के का एडमिशन आपके स्कूल में कराना चाहता हूँ। बैठिए। जी शुक्रिया। दोस्त, मैं खेल, मैं पढ़। सर ये फीस के लिए चल। बेटी आज से तुम भी हमारे परिवार में शामिल हो गई हो, आओ चले।